हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस मजेदार वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के बदले ऑटो अपडेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीख जाएंगे। जी हां, ऑटो अपडेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है ये हम सीखे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो चीज आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं ऐसी बेहतरीन चीजें मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी, आप एक एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। जी हाँ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं हम भी। उसके लिए यहां पर जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये इस डेटा की मदद से मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, देख रहे हैं। जहां पर मैंने क्या किया हुआ, इन सिलेक्टेड नामों को, सात नाम है देख सकते हैं आप, इनकी मदद से मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है, देख रहा, जिसकी मदद से अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो जो भी सिलेक्टेड या जो भी रिटर्न ऑलरेडी नाम है, मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकता हूं, देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस डेटा के अंदर कोई अलग से कोई नया नाम एड ऑन करता हूं, तो क्या वो मेरी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एड हो पाएगा? चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर एक और नाम एड किया, तनुज। मैंने इस लिस्ट के अंदर एक और नाम ऐड कर दिया। अब मैं देखता हूं कि क्या इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आया है। ये देख रहे हैं आप, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर नहीं आया है। ये थी नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट। जबकि अगर मैं यहां पर इस ऑटो अपडेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर भी वही सेम नाम है, बट अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कोई नाम एड ऑन करूंगा तो वो नाम मेरी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एड हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, टोटल अभी इतने ही नाम है जो यहां पर शो हो रहे हैं। मैं इसके अंदर तनुज नाम ऐड करता हूं और चेक करते हैं कि क्या ये नाम ऐड हुआ है यहां पर या नहीं। ये देख रहे हैं आप, तनुज नाम ऐड हो चुका है। चलिए मैं एक और नाम ऐड करके दिखाता हूं आपको। कौन सा नाम ऐड करूं, रजनी। चलिए मैं रजनी नाम ऐड करता हूं, चेक करते हैं कि क्या ये नाम यहां पर आया नहीं आया। ये देख रहे हैं आप, ये नाम भी आ चुका है यहां पर। अगर मैं यहां से नाम हटाऊं तो ये ऑटोमेटिक ड्रॉपडाउन के अंदर से नाम हट भी जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए तनुज के बाद रजनी थी, अब देखिए यहां से इस लिस्ट से हट चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको ये बनाना सिखाता हूं कि आखिर मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑटो अपडेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई है। यही सेम डेटा मैंने यहां पर शीट टू के ऊपर भी लिया हुआ है और मैंने अभी कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट करता हूं। तो क्या करूंगा उसके लिए, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से पहले क्या करूंगा, अपने पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। ये देखना, मैंने पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा, और इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद ये जो टेबल ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जितने एरिए के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है उन सबको सिलेक्ट कर देगा और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि माई टेबल हैज हेडर्स के ऊपर चेक मार्क हो। ये चेक मार्क तभी होना चाहिए जब आपके इस डेटा के अंदर हेडर्स हैं, अगर नहीं है तो आप इसके ऊपर से हटा भी सकते हैं। तो मेरे पास डेटा का हेडर है, नेम हेडर है, तो मैं इसको कर देता हूं चेक मार्क और उसके बाद कर देता हूं ओके। ये देख रहे हैं आप, और अब मैं करता हूं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट। तो उसके मैं करूंगा, सिलेक्ट करूंगा उस सेल को, ऑल्ट ए वी वी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शॉर्टकट की क्या होती है, और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा यहां से लिस्ट, और लिस्ट के बाद सोर्स के अंदर अपने डेटा के रेंज दे दूंगा और उसके बाद कर दूंगा ओके। बस आपको इतना सा काम करना है और उसके बाद देख रहे हैं आपके नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुके हैं। अब अगर मैं एक नाम ऐड करूंगा यहां पर, जैसे छोटा भीम, मैं छोटा भीम का नाम ऐड करता हूं और चेक करते हैं कि ये नाम आया है या नहीं आया है। ये देख रहे हैं आप, छोटा भीम जो है ऐड हो चुका है इसके अंदर। बहुत ही खूबसूरत चीज है और आसान भी है। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑटो अपडेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्लैश फिल ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, फ्लैश फिल के 10 बेहतरीन यूजेस बताऊंगा, जिसको देखकर तो मजा ही आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।